तो गाइस इमेजिन करो, तुम लोग सोचते हो क्यों ना माइनक्राफ्ट की एक न्यू सर्वाइवल की जर्नी स्टार्ट की जाए। एंड बिना कुछ सोचे समझे तुम लोग वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हो। एंड वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद जैसे तुम लोग वर्ल्ड के अंदर आते हो, तुम लोग आराम से थोड़ी देर ग्राइंडिंग करते हो। एंड काफी ज्यादा ग्राइंडिंग करने के बाद तुम्हें पता नहीं अचानक से अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ इस वर्ल्ड में कुछ तो मिस्टीरियस हो रहा है, और साथ के साथ तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम उस वर्ल्ड में अकेले नहीं हो। आई नो, डर जाओगे ना? नहीं। अरे भाई इस टाइम पे तो डरना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे जगह मैं होता तो माइनक्राफ्ट डिलीट कर देता। यस, ये सेम चीज इन दो प्लेयर के साथ हो चुकी है। आखिर अब ये दो प्लेयर है कौन? अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम लोग इस वाले वीडियो का पार्ट 1 जाके देख सकते हो, जो कि तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा। सो जाके जरूर देखना। नाउ लेट्स बिगिन। लेकिन रुको, जरा सबर करो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो ना यार, वो बटन बिल्कुल फ्री है। एंड यार बेल आइकन को दबाना ना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक भी कर देना, क्योंकि हमारे इस वाले वीडियो का लाइक एम होने वाला है 3000 लाइक्स का। सो आई होप सो तुम लोग कंप्लीट करा दोगे। सो नाउ लेट अस बिगिन टू द वीडियो। तो जैसा कि तुम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि जेडी और हैगी प्लान बनाते हैं बाहर एडवेंचर करने का, वो भी रात को। एंड या वो लोग वहां से निकल जाते हैं एडवेंचर के लिए। एंड थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग ना एक विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। एंड वो विलेज के अंदर जैसे वो एंटर होते हैं, उन्हें पता नहीं अचानक से अजीब अजीब से मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। और उनमें से एक मैसेज ऐसा आता है कि वो बोलता है कि उन्हें वो पोर्टल में कूदना ही पड़ेगा वरना वो मारे जाएंगे। एंड देन मानो वो पूरी तरीके से फंस चुके थे, क्योंकि अब उनके सामने मौत खड़ी थी। तो वो फटाफट से उस वाले कमरे को ढूंढते हैं एंड काफी ज्यादा सोच और विचार करने के बाद फाइनली वो उस वाले पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उस वाले पोर्टल के अंदर कूदते हैं तो वो पहुंच जाते हैं एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो माइनक्राफ्ट के ओवरवर्ल्ड से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका जो स्काई था वो कोई नॉर्मल स्काई नहीं बल्कि डेडली स्काई था। एंड थोड़ी दूर जाने पर उनको दिखती है वहां पे डिस्टॉर्टेड एलेक्स। ओके सो गाइस, हम लोग फाइनली यहाँ पे स्पॉन तो हो चुके हैं। एंड भाई जैसे मैं जहां पे स्पॉन हुआ हूं ना, पूरी जगह भाई स्प्रूस से भर रखी है। पर चलो कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हमें तो फटाफट से ना थोड़े बहुत टूल्स वगैरह बनाने हैं। सो देखो, हमें ना यहाँ पे टूल्स बना के एक छोटा सा घर बनाना है, ठीक है? क्योंकि जो डिस्टॉर्टेड एलेक्स है ना, वो घर की तरफ अट्रैक्ट होती है एंड देन वो हमारे घर के अंदर एंटर भी हो सकती है, ठीक है? जिसके वजह से शायद हम लोग डिस्टॉर्टेड एलेक्स को कैप्चर कर सकेंगे। सो यहाँ इसीलिए सबसे पहले मुझे ना सब चीज सर्वाइवल में करनी है, क्योंकि अगर मैंने क्रिएटिव वगैरह यूज किया तब ये चीज वर्क नहीं करती है। तो उसके लिए ना मुझे काफी ज्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक टूल से अपनी शुरुआत करता हूँ। हेयर वी गो। यहाँ पे हमारे वुडन के एक्स वगैरह भी सब रेडी हो चुकी है, ठीक है? तो अब देखो हमें फटाफट से ना पहले स्टोन में इसको कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले मैं इसको स्टोन में कन्वर्ट करूंगा। भाई बेड वेड भी तो रखना पड़ेगा ना, सजाना तो जरूरी है यार। एंड वेट, क्या मतलब इस शीप ने सब चीज देख ली है? इसने वो चीज देखी है जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी। तो ओके, सो यहाँ पे मेरे स्टोन टूल्स वगैरह भी सब अपग्रेड हो चुके हैं। तो चलो अब सबसे पहले ना यहाँ से पहले बाहर निकलो यार। एंड उसके बाद हमें ना जो चीज करनी है वो रात होने से पहले पहले करनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग को यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी वाली केव है जिसके अंदर आयरन भी है। तो लेकिन देखो मैं बहुत बिजी बंदा हूँ और मैं वो आयरन बिजी का क्या है, आयरन तो भाई मिलते ही बहुत कम है। सो गाइस ये देखो, सामने यहाँ पे एक फ्लावर है एंड उसी के साइड में एक शीप भी है। सो अब हमारे पास फ्लावर एंड शीप भी है, सो इस शीप को प्रपोज करना तो बनता है। म्यूजिक। हे शीप, विल यू बी माय फूड। तो अब देखो यहाँ पे हमें रात होने से पहले सो कुछ भी करना, सबसे पहले करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, फटाफट से ना यहाँ पे बहुत सारी ना स्प्रूस वाली वुड वगैरह इकट्ठी कर लेता हूँ एंड थोड़े बहुत कॉबलस्टोन वगैरह भी इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड यार ये जो ये काम है ना भाई, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो देखो अब ना यहाँ पे मेरे पास इनफ वुड के स्टैक्स होने वाले हैं एंड वुड ही नहीं, मेरे पास कॉबलस्टोन भी काफी ज्यादा आ चुका है। तो उसके बाद भाई मजे ही मजे हैं, लेट्स गो।
यहाँ पे मेरे पास 64 स्प्रूस लॉग और यहाँ पे कॉबलस्टोन भी अपने पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सो ठीक है, अब हमें ना एक छोटी सी प्यारी सी जगह ढूंढनी है जो कि बिल्कुल प्लेन हो, जहाँ पे हमें वो घर बनाना होगा। एंड भाई जैसी मेरी किस्मत है, आई नो कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे, पर कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ बढ़िया सा मिल जाए। या ये देखो, यहाँ पे प्लेन जगह है, मतलब हाँ भाई बढ़िया जगह है यार, हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं एक घर को। चलो मैं ना फटाफट से यहाँ पे एक घर को बनाना शुरू करता हूँ सबसे पहले, एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे डिस्टॉर्टेड एलेक्स आने वाली है। ओके सो गाइज हेयर वी गो, सो यहाँ पे हमारा फाइनली घर बन चुका है। सो देखो अब ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले से ना थोड़ा टूर वगैरह दे देता हूँ। तो ये देखो हमारे यहाँ पे नॉर्मली, एंड चेस्ट वगैरह ऑफ कोर्स मैं खाली रखने वाला हूँ क्योंकि कुछ नहीं भरने वाला, एंड यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लास वगैरह स्मेल्ट हो रहे हैं, तो या इसका कोई चक्कर नहीं है। तो देखो अब ना मैं फटाफट से यहाँ पे थोड़ी देर AFK करने वाला हूँ, थोड़ी देर भी नहीं बहुत ज़्यादा टाइम AFK करने वाला हूँ। क्या पता कोई आए एंड देन इस घर में एंटर हो, आई नो नहीं होगा ऐसा कुछ, पर एक बार ट्राई करके हम लोग ज़रूर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ऑफ कैमरा, कैमरा ऑन रहेगा, एंड अगर कोई भी कुछ भी हलचल होती है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर देखने वाला हूँ। तो या यहाँ पर मैं सही हूँ, ओके ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ, एंड बस मुझे यहाँ पर AFK करके रखना है काफ़ी देर तक। ओके लेट्स गो, वेट वेट मैं तो हो चुका। ओके सो वेट व्हाट द हैक, लेट्स व्हाट द हैक ब्रो, ये तो सारा का सारा घर यहाँ पे फट चुका है। हेलो ये किसने किया, वेट अ सेकेंड ब्रो, ये चीज क्या है, कितनी ज्यादा खतरनाक भाई। मैंने यहाँ पे घर बनाया था और वो घर अब है ही नहीं। भाई मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा, भाई ये ऐसा मेरे अलावा तो कोई सर्वर में भी नहीं है। अबे शिट यार, देखो शायद से मुझे अब, भाई मैंने नहीं खेलना यार। भाई देखो माइनक्राफ्ट ना दिन पे दिन क्रीपी बनती जा रही है भाई। देखो अब यहाँ पे और माइनक्राफ्ट खेलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भाई मैंने ये घर एक्चुअली में नहीं फोड़ा, मैं तो कितने टाइम से AFK था, पर यार शायद से अब मुझे एक ही काम करना पड़ेगा जो कि इस वर्ल्ड को लीव करना। तो यार सीधी बात है, मैं ना इस वाले वर्ल्ड को अब सीधा लीव, वेट व्हाट द हैक, ये क्या हुआ। Distorted Alex, Minecraft की हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस नाम। हाँ ये एक मिस्ट्री बनती आई है, लेकिन आज के इस वाले वीडियो में ये मिथ एक 100% कंफर्म हो चुका है। Minecraft की एक और थ्योरी अनसॉल्व है कि क्या ये एंटिटी रियली एग्जिस्ट करती है। 3000 लाइक्स करवा दो सब पता लग जाएगा। भाई एक मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग वीडियो को यहाँ तक तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो भाई क्या सोच रहे हो यार, जाओ जाके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दो, क्योंकि हमारे इस वाली वीडियो का लाइक एम भी कंप्लीट कराना है जो कि 3000 लाइक्स का। एंड गाइस बाय द वे, अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग वहाँ पे सारा दिन पागलपंती करते हैं, मेरी मानो तो ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्रो फाइनली हमें इतने टाइम बाद माइनक्राफ्ट खेलने का वक्त मिल चुका है यार। हाँ यार चलो एक काम करते हैं, बेसिक चीजों से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हाँ यार चलो लेट्स गो। Mm-hmm.